हेलो एवरीवन, आज आपके लिए मैं लाया हूँ एक बेहतरीन स्ट्रैटेजी, एक बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी जो एक सिंपल तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं वाइल ट्रेडिंग, वाइल इन्वेस्टिंग। एक बहुत ही सिंपल कैंडलस्टिक स्ट्रैटेजी जिसका नाम है ABCD पैटर्न स्ट्रैटेजी। इस स्ट्रैटेजी को शुरू करने के पहले मैं आपको बताऊंगा कि मेरे YouTube चैनल पर ज़रूर कैंडलस्टिक चार्ट को कैसे पढ़ते हैं उसका वीडियो देख लीजिए। उसका डिस्क्रिप्शन में आपको उसका PPT का लिंक मिल जाएगा, वो एक बार गो थ्रू कर लीजिए, उसके बाद ये स्ट्रैटेजी का वीडियो देखिए। अगर जब तक आपने कैंडलस्टिक को बराबर स्टडी नहीं किया है, कैंडलस्टिक कैसे पढ़ते हैं वो आपको पता नहीं है, तो आप ये ABCD पैटर्न स्ट्रैटेजी नहीं समझ पाएंगे। तो चलिए आज का हम वीडियो शुरू करते हैं। नए यूज़र्स को मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहूँगा। मैं SEBI रजिस्टर ऑथराइज पर्सन हूँ सिंस 2007, एसोसिएटेड विद वन ऑफ द टॉप मोस्ट ब्रोकिंग फर्म्स इन इंडिया, फाइनेंशियल कंसल्टेंट, इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र, म्यूचुअल फंड मैनेजर, SIP मैनेजर। एडवाइजरी प्रोडक्ट्स हैं हमारी कंपनी के काफ़ी सारे, और हमारी कंपनी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज भी देती है क्लाइंट्स को। तो ये कुछ मेरे सर्विसेज थी जो मैं नए यूज़र्स को बताना चाहूँगा। चलिए आज का हम स्ट्रैटेजी शुरू करते हैं जिसका नाम है ABCD पैटर्न। बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी है जिसमें जिसको आप कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ, कैंडलस्टिक चार्ट के साथ यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको कैंडलस्टिक का नॉलेज होना चाहिए। अगर किस मैं फिर से रिपीट करूँगा, किसी को कैंडलस्टिक का नॉलेज नहीं है तो इसी मेरे चैनल पे आपको इंट्रोडक्शन टू कैंडलस्टिक का एक वीडियो मिलेगा, उसको देखिए। उसके वीडियो के लिंक में आपको उसका डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा PPT का, वो आप गो थ्रू कर लीजिए एक बार, उसके बाद ये स्ट्रैटेजी का वीडियो देखिए। अब थ्री एलिमेंट्स ऑफ एनी स्ट्रैटेजी, कोई भी स्ट्रैटेजी को यूज़ करने के लिए या स्ट्रैटेजी के कोई भी स्ट्रैटेजी के तीन एलिमेंट्स होते हैं। सबसे पहले प्राइस एक्शन, टेक्निकल इंडिकेटर्स और चार्ट पैटर्न्स। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लर्न एंड प्रैक्टिस ऑल थ्री एलिमेंट्स एट सेम टाइम। ऑल्दो सम स्ट्रैटेजीज रिक्वायर ओनली टेक्निकल इंडिकेटर्स सच एज मूविंग एवरेज और VWAP, कुछ स्ट्रैटेजीज में टेक्निकल इंडिकेटर्स ही आपको काम आएंगे, जैसे कि मूविंग MACD स्ट्रैटेजी हो गया या फिर VWAP हो गया। लेकिन जो बेसिक एलिमेंट्स है ऑफ एनी स्ट्रैटेजी वो है प्राइस एक्शन, टेक्निकल इंडिकेटर्स और चार्ट पैटर्न्स। इट इज़ हेल्पफुल टू ऑल्सो हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्राइस एक्शन एंड चार्ट पैटर्न्स इन ऑर्डर टू बिकम अ सक्सेसफुल डे ट्रेडर। दिस अंडरस्टैंडिंग एस्पेशली रिगार्डिंग प्राइस एक्शन कम्स ओनली विद प्रैक्टिस। जितना आप ट्रेडिंग करोगे छोटे वॉल्यूम्स में, अगर नए ट्रेडर्स हैं मैं सजेस्ट करूँगा छोटे छोटे वॉल्यूम्स में ट्रेड कीजिए। देखिए पहले आप जो ट्रेडिंग कर रहे हैं वो सही हो रहा है या नहीं, आपके ट्रेड आपके फेवर में आ रहे कि नहीं। आपको एक बार अगर पता चल गया कि कैसे चार्ट पैटर्न्स को रीड करना है, कैसे एंट्री लेवल को एनालाइज़ करना है, कहाँ पे एग्जिट करना है, कहाँ पे आपको स्टॉप लॉस लगाना है, छोटे वॉल्यूम में पहले काम कीजिए, उसके बाद प्रॉपर वॉल्यूम में काम करना चालू कीजिए। कई बार मैं देखता हूँ नए ट्रेडर्स जो मार्केट में आते हैं वो बड़े वॉल्यूम्स में पहले दिन से काम करना चालू कर देते हैं, उनका टेक्निकल बैकग्राउंड स्ट्रांग नहीं रहता है, उनको फंडामेंटल एनालिसिस नहीं पता रहता है, और अल्टीमेटली 2 या 3 महीने में पूरा अकाउंट जीरो करके वो निकल जाते हैं। तो नए ट्रेडर्स को एक बेसिक सजेशन मैं देना चाहूँगा, जब भी आप ट्रेडिंग अकाउंट खोलते हैं, डीमैट अकाउंट खोलते हैं, तो पहले छोटे छोटे वॉल्यूम्स में काम कीजिए, 10 शेयर 20 शेयर 25 शेयर, उतने वॉल्यूम्स में काम कीजिए। उसमें देखिए, कई ट्रेडर्स को मैं सजेस्ट करूंगा अगर बड़े वॉल्यूम्स का स्टॉक है, जैसे कि 500 के ऊपर का स्टॉक है, तो 5 शेयर 2 शेयर में काम कीजिए, ताकि आपको पता चले कि आप अगर जो आपका जो एंट्री लेवल है वो सही है कि नहीं, आपका एग्जिट लेवल सही है कि नहीं, उसके बाद आप प्रॉपर वॉल्यूम में काम चालू कीजिए। ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। द ABCD पैटर्न इज़ द मोस्ट बेसिक एंड ईजीएस्ट पैटर्न टू ट्रेड, एंड इट इज़ एन एक्सेलेंट चॉइस फॉर बिगनर्स एंड इंटरमीडिएट ट्रेडर्स। Although it is simple and has been known for a long time, it still works effectively because many traders are still trading it. As mentioned earlier, it has self-fulfilling effect. You should do whatever all the other traders are doing because trend is your friend. A trend may very well be your only friend. Main repeat karunga, a trend may very well be your only friend. हमेशा ट्रेंड के साथ चलिए मार्केट में। अगर आप ट्रेंड के अगेंस्ट जाएंगे तो आपका ट्रेडिंग कभी सक्सेसफुल नहीं होगा। अगर चार्ट में लॉन्ग ट्रेंड दिख रहा है तो लॉन्ग कीजिए, अगर शॉर्ट ट्रेंड दिख रहा है तो शॉर्ट कीजिए, अगर चार्ट में साइडवेज मूवमेंट है तो ट्रेड मत कीजिए। अ ट्रेंड मे वेरी वेल बी योर ओनली फ्रेंड। हमेशा ट्रेंड को फॉलो कीजिए। ABCD पैटर्न बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी है और इफ़ेक्टिव स्ट्रैटेजी है, और बिगनर्स के लिए और इंटरमीडिएट ट्रेडर्स के लिए ये सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी है ABCD पैटर्न। अब हम आते हैं, जैसे आपके स्क्रीन पे आपको एक ग्राफ दिख रहा है इस समय। व्हेन आई ऑब्जर्व विथ माय स्कैनर अ स्टॉक
is surging up from point A and reaching a new high for the day point B. I wait to see if the price makes support higher than point A. I'll call this point as C and I do not jump into the trade right away. जब भी ग्राफ में आपको एक पर्टिकुलर स्टॉक ऊपर की तरफ जाते हुए दिख रहा है उसको ऊपर जाने दीजिए, जहाँ जिस लेवल पे वो कंसोलिडेट करे उस लेवल को आप पॉइंट मार्क कीजिए पॉइंट सी. आई वेट टू सी इफ द प्राइस इज मेकिंग अ सपोर्ट हायर देन द पॉइंट ए. एक कंसोलिडेशन होने के बाद वो थोड़ा सा नीचे आएगा, अगर वो ए के ऊपर अभी भी है तो उस पॉइंट को मार्क कीजिए सी, जैसे आपको ग्राफ में दिख रहा है. ए के ऊपर का लेवल है सी और टॉप मोस्ट लेवल है बी. इस समय ए बी सी इस पैटर्न में, ए यहाँ पे, उसके बाद थोड़ा ऊपर गया बी और बी से थोड़ा नीचे आया लेकिन वो ए के ऊपर ही है. उस पॉइंट को हमें मार्क करना है पॉइंट सी. आई वॉच द स्टॉक ड्यूरिंग इट्स कंसोलिडेशन पीरियड. आई चूज़ माई शेयर साइज एंड स्टॉप एंड एग्जिट स्ट्रैटेजी. इसी समय पे जिस पॉइंट पे आपने सी मार्क किया है उसमें आप अपना पोजीशन साइज चूज़ कर लीजिए, कितना आपको शेयर्स में बाई करना है, कितना शेयर्स में आपको ट्रेड करना है, और वहीं पे आपको अपना स्ट्रैटेजी भी चूज़ करना है, कौन से स्ट्रैटेजी को इस समय आप अप्लाई करेंगे इसके साथ, और साथ में आपका एग्जिट स्ट्रैटेजी कौन सा होगा. ए बी सी डी एक सिंपल स्ट्रैटेजी, अगर इसी को आप अप्लाई करके काम करना चाहते हैं तो कोई उसमें बुरी बात नहीं है. लेकिन कई लोग ए बी सी डी पैटर्न के साथ RSI को भी अप्लाई करते हैं, MACD को भी अप्लाई करते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस को भी एनालाइज करके ट्रेड करते हैं. वो एक आपका कंफर्मेशन और आपको कंफर्मेशन और 200% कर देता है अगर आपने MACD को इसके साथ अप्लाई किया है, RSI को अप्लाई किया है, या फिर सपोर्ट और रेजिस्टेंस को यहाँ पे एनालाइज करके आप ट्रेड कर रहे हैं तो कंफर्मेशन और स्ट्रांग हो जाता है आपका. When I see that the price is holding the support level at C, I enter the trade close to the point C and in anticipation of moving forward to point D or higher. जैसे ही C level पे price एक level पे वहाँ पे एक consolidated फिर से होने चालू हो जाए या फिर उस support को properly लेके उसी level पे रह जाए price, तो वहीं पे आपको entry लेना है और आपका stop loss लगाना है C से थोड़ा level नीचे और D को आपको target रखना है. मूविंग फॉरवर्ड टू द पॉइंट डी और हायर, यानी कि जैसे आपको ग्राफ में इस समय दिख रहा है डी की तरफ जाते हुए दिखे सी से ऊपर की तरफ या फिर बी से भी थोड़ा ऊपर की तरफ, उसी को आपको टारगेट रखना है. माई स्टॉप इज़ द लॉस ऑफ द पॉइंट सी, यानी कि जो पॉइंट सी है उससे जहाँ पे थोड़ा पॉइंट सी को नीचे की तरफ और आने ब्रेक डाउन होने लगे सी पॉइंट से, वहीं पे आपको अपना स्टॉप लॉस लगाना है. इफ़ द प्राइस गोज लोअर देन सी आई सेल एंड एक्सेप्ट द लॉस. अगर प्राइस सी लेवल से नीचे आने लगे तो वहीं पे आपको एग्जिट करना है ट्रेड और स्टॉप लॉस बुक करना है. देयरफॉर इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बाय द स्टॉक क्लोज टू पॉइंट सी टू मिनिमाइज द लॉस. जितना हो सके सी पॉइंट से लेवल, सी पॉइंट जो ग्राफ में इस समय दिख रहा है वहाँ पे जितना हो सके उसके क्लोजिंग बाय कीजिए ताकि आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा हो. इफ़ द प्राइस मूव्स हायर आई सेल हाफ ऑफ माई पोजिशन एट पॉइंट डी एंड ब्रिंग माई स्टॉप लॉस हायर टू द माई एंट्री लेवल. जैसे ही आपका ऊपर की तरफ आने लगे बी से थोड़ा ऊपर की तरफ जाने लगे जो ग्राफ में आपको डी लेवल दिख रहा है वहाँ पे आप फुल क्वांटिटी सेल कर सकते हैं या फिर हाफ क्वांटिटी सेल कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर रिस्क एपेटाइट. और स्टॉप लॉस को लगाना है आपके एंट्री लेवल को, जहाँ पे एंट्री किया है वहीं पे आपको स्टॉप लॉस लगाना है. आई विल सेल द रिमेनिंग पोजीशन एज सून एज माय टारगेट हिट्स और आई फील द प्राइस इज लूजिंग द स्टीम और दैट द सेलर्स आर अक्वायरिंग कंट्रोल ऑफ द प्राइस एक्शन. जैसे ही डी लेवल पे आपने या हाफ क्वांटिटी अगर सेल किया है उसके ऊपर और जा रहा है स्टॉक, लेकिन जैसे ही ऊपर के लेवल पे सेलर्स कंट्रोल में आने लगे बायर्स का वॉल्यूम कम हो जाए इमीडिएटली फुल पोजीशन एग्जिट कीजिए और ट्रेड को एग्जिट कीजिए. तो ये है ABCD पैटर्न. पॉइंट्स टू बिकमिंग अ बेटर ट्रेडर. एज अ ट्रेडर यू शुडंट केयर अबाउट कंपनीज एंड देयर अर्निंग्स. डे ट्रेडर्स आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट व्हाट कंपनीज डू और व्हाट दे मेक. Your attention should only be on price action, technical indicators or chart pattern. जब तक कोई particular stock में कोई fundamental news trigger नहीं होता है या फिर किसी fundamental news की वजह से कोई stock suddenly spike up या spike down नहीं होता है, breakdown नहीं होता है, तब तक आप fundamental analysis को ज़्यादा मत concentrate कीजिए fundamental analysis पे. technical analysis आपको ज़्यादा use करना है अगर आप day trader हैं तो. There are millions of traders out there and even million more of strategies. Every trader needs to make their own strategy and edge. You need to find your spot in the market,
वेयर यू फील कंफर्टेबल। जो स्ट्रैटेजीज आपको कंफर्टेबल लगते हैं उसी को अप्लाई कीजिए, जो स्टॉक्स आपको कंफर्टेबल लगते हैं उसी में ट्रेड कीजिए। अनदर पॉइंट टू रिमेंबर इज दैट द मार्केट इन द मार्केट राइट नाउ इज ओवर 60% ऑफ द वॉल्यूम इज एल्गोरिथमिक हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग। यानी कि 60% ऑफ द वॉल्यूम जो हो रहा है मार्केट में वो हाई फ्रीक्वेंसी कंप्यूटर्स की हाई फ्रीक्वेंसी सिस्टम से हो रहा है। यानी कि जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स रहते हैं या फिर जो फंड मैनेजर्स रहते हैं जो प्रॉपरली एल्गोरिथम यूज़ करके हाई फ्रीक्वेंसी सिस्टम्स में ट्रेड करते हैं उसी का मेजर वॉल्यूम है 60%। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि यू आर फाइटिंग विथ कंप्यूटर्स, यू आर फाइटिंग विथ हाई फ्रीक्वेंसी सिस्टम एंड दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी ईजी। तो जिस स्टॉक में आप कंफर्टेबल है, जो स्ट्रैटेजीज आपको सिंपल लगती है, जो स्ट्रैटेजी में आपका प्रॉफिट रेशियो ज़्यादा है, प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी रेशियो ज़्यादा है, उसी स्ट्रैटेजीज को कॉन्स्टेंटली अप्लाई कीजिए और अपना एंट्री और एग्जिट प्रॉपर कीजिए। दैट मीन्स यू आर ट्रेडिंग अगेंस्ट द कंप्यूटर्स, यू आर ट्रेडिंग अगेंस्ट द हाई फ्रीक्वेंसी सिस्टम्स। जितना हो सके अपने स्ट्रैटेजीज को सिंपल रखिए, अपने सेटअप्स को सिंपल रखिए और फोकस कीजिए साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स पे। जितना आप साइकोलॉजिकली स्ट्रांग हुए ट्रेडिंग में, अपने इमोशंस को साइड में रखा ट्रेडिंग में, उतना ही आपका ट्रेडिंग सक्सेसफुल होगा। इमोशंस के साथ कभी भी ट्रेड मत कीजिए। अगर आप इमोशनल ट्रेडर हैं तो कभी भी आप सक्सेसफुल नहीं होंगे, ये एक चीज़ ध्यान रखिए। डोंट ट्रेड विद इमोशंस इन द मार्केट। You are trading stocks against computer systems. On other hand, that represents a problem. It means that the majority of the changes in the stocks that you are seeing are simply results of computers moving shares around. यानी कि जो majority of volume है market में, जैसे मैंने आपको बताया 60% of the volume is generated by high frequency systems. On other hand, it also means that there is a small handful of stocks each day that are going to be traded on such heavy retail volume as opposed to institutional algorithm trading, that you will overpower the trading and you and I retail traders will control that stock. Each day you need to focus on trading those particular stocks. यानी कि अगर एक एक तरफ हम देख रहे हैं तो कुछ हैवी वॉल्यूम्स हो रहा है, 60% ऑफ वॉल्यूम्स इज डन बाय हाई फ्रीक्वेंसी सिस्टम्स, लेकिन अगर दूसरी साइड हम देखें, सिक्के की दूसरी साइड हम देखें, तो कुछ ऐसे स्टॉक्स है जो रिटेल ट्रेडर्स ट्रेडिंग करते रहेंगे, उसी स्टॉक्स को हमें चुनना है। कुछ स्टॉक्स में रिटेल ट्रेडर्स काम नहीं करते हैं, कुछ ही स्टॉक्स में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स काम करते हैं। जिस स्टॉक्स में इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स काम कर रहे हैं या फिर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का होल्ड है, उसमें आप डे ट्रेडिंग मत कीजिए। जिस स्टॉक्स में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ट्रेड नहीं कर रहे हैं, इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, उसी स्टॉक्स को आप चूज़ कीजिए जिसमें हाई वॉल्यूम हो, जिसका फ्लोट लो हो। जितना हो सके लो फ्लोट स्टॉक्स को चूज़ कीजिए ट्रेडिंग के लिए, क्योंकि जितना सप्लाई कम होगा, जितना डिमांड ज़्यादा होगा, उतना मूवमेंट फास्ट होगा। हमेशा अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करना है तो चूज़ लो फ्लोट स्टॉक्स, जितना हो सके उतना लो फ्लो स्टॉक्स में काम कीजिए। जिसका वॉल्यूम हाई है वैसे स्टॉक्स में काम कीजिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको ये देखना है कि जिसका एवरेज डेली वॉल्यूम हमेशा, जो स्टॉक्स एवरेज डेली वॉल्यूम से ऊपर है इस समय, वैसे स्टॉक्स को पहले चूज़ कीजिए, वैसे स्टॉक्स को अपने वॉच लिस्ट में पहले लगाइए। यू मस्ट लुक फॉर द स्टॉक्स दैट हैव अ सिग्निफिकेंट रिटेल ट्रेडर्स इंटरेस्ट एंड सिग्निफिकेंट रिटेल वॉल्यूम। These will be the stocks you will buy and together be the people, the retail traders will overpower the computers. ऐसे स्टॉक्स को एनालाइज कीजिए, ऐसे स्टॉक्स को अपने वॉच लिस्ट में लाइए जिसमें रिटेल ट्रेडर्स ज़्यादा है, जिसमें रिटेल ट्रेडिंग ज़्यादा हो रहा है, और वैसे स्टॉक्स में ट्रेडिंग कीजिए ताकि रिटेल वॉल्यूम आराम से सस्टेन हो सके इन टर्म्स ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी सिस्टम्स वॉल्यूम। पॉइंट्स टू बिकम बेटर ट्रेडर, और एक उसके बात है, यूज़ द कैंडल स्टिक चार्ट्स। जैसे मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया, कैंडल स्टिक चार्ट का मेरा एक वीडियो है ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे, उसको देखिए, कैंडल स्टिक समझिए, कैंडल स्टिक्स के पैटर्न को समझिए, उसके बाद कोई भी स्ट्रैटेजी इसको अप्लाई कीजिए। ईच कैंडल स्टिक रिप्रेजेंट अ पीरियड ऑफ टाइम। चूज डेली चार्ट्स, आर्ली चार्ट, 5 मिनट्स चार्ट पैटर्न, इवन 1 मिनट चार्ट पैटर्न। जो पैटर्न आपको कंफर्टेबल लग रहा है, जो पैटर्न आपको इजीली आप उसमें पकड़ पा रहे हैं ट्रेंड को, वैसे पैटर्न को आप यूज़ कीजिए, वैसे इंटरवल्स को चूज़ कीजिए, टाइम इंटरवल्स को। माय प्रेफरेंस इज 5 मिनट चार्ट, बिकॉज आई बिलीव अ 1 मिनट चार्ट इज टू नॉइजी एंड एट टाइम्स यू कैन बी मिस्ड बाय नॉर्मल प्राइस मूवमेंट इन 1 मिनट इंटरवल।
1 मिनट इंटरवल जनरली बहुत वॉलेटाइल होता है, उसमें आप ट्रेंड पकड़ नहीं सकते। तो बेसिक जो सेफ है या फिर जो डिफेंसिव टाइम इंटरवल है कैंडलस्टिक पार्ट चार्ट को यूज़ करने का, वो है 5 मिनट और 15 मिनट चार्ट पैटर्न। फिलोसॉफी ऑफ ट्रेडिंग इज़ दैट यू मस्ट मास्टर ओनली फ्यू सॉलिड सेटअप्स। जैसे मैंने आपको बताया, अपने स्ट्रैटेजीज को सिंपल रखिए, अपने सेटअप्स को सिंपल रखिए टू बी कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल। इन फैक्ट हैविंग अ सिंपल ट्रेडिंग मेथड कंसिस्टिंग ऑफ फ्यू मिनिमल सेटअप्स विल वर्क टू रिड्यूस कन्फ्यूजन ऑफ स्ट्रेस एंड अलाउ यू टू कॉन्सेंट्रेट मोर ऑन द साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ ट्रेडिंग विच इज़ वॉट सेपरेट द विनर्स फ्रॉम द लूजर्स। पॉइंट आने के पहले ही मैंने आपको बताया था, जितना हो सके अपने सेटअप्स को सिंपल रखिए, जितना हो सके अपने स्ट्रैटेजीज को सिंपल रखिए और फोकस कीजिए साइकोलॉजिकल पार्ट पर। अगर आपका आप साइकोलॉजिकली स्ट्रांग है वाइल ट्रेडिंग, तो दैट इज़ द ओनली पॉइंट विच सेपरेट्स विनर्स फ्रॉम लूजर्स। जो एक बेहतरीन ट्रेडर होता है, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर होता है, उसका हमेशा ध्यान रखिए वो साइकोलॉजिकली इमोशनली बहुत स्ट्रांग होगा। वो हमेशा अपने इमोशंस को ट्रेडिंग के समय साइड में रखेगा और उसके बाद ही ट्रेडिंग करेगा। तो फोकस मोर ऑन साइकोलॉजिकल पार्ट एंड कीप योर सेटअप्स एंड स्ट्रैटेजीज एज सिंपल एज यू कैन। ये थे मेरा आज का मेरा वीडियो ABCD पैटर्न के बारे में। इस वीडियो का जो PPT है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप इजीली, अगर किसी को अभी भी समझ नहीं आया है ABCD पैटर्न कैसे यूज़ करते हैं, तो वापस एक बार गो थ्रू कर सकते हैं PPT को। किसी को और एक बार वीडियो देखना है तो वीडियो प्रॉपरली और एक बार देखिए, जितनी बार देखना है आप देखिए इस वीडियो को, ताकि आप परफेक्टली ये स्ट्रैटेजी को समझ जाए। बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी है, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, ज़्यादा कुछ इसमें मैथ्स आपको यूज़ नहीं करना है, ज़्यादा कैलकुलेशंस है नहीं इसमें। एक सिंपल चार्ट पैटर्न है, वो आपको देखना है प्रॉपरली कि ABCD बन रहा है कि नहीं, और उसी ABCD पैटर्न में आपको सी लेवल पे एंट्री करना है, सी से नीचे थोड़ा स्टॉप लॉस रखना है अबव द ए लेवल, और डी लेवल को टारगेट बनाना है। डी को अगर आपको हाफ टारगेट बनाना है तो हाफ बनाइए, या फिर फुल पोजिशन वहाँ पर सेल कीजिए। सिंपल स्ट्रैटेजी है, बहुत ही इफेक्टिव स्ट्रैटेजी है, और बहुत ट्रेडर्स आज की तारीख में ये स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे हैं। अगर किसी को इन्वेस्टमेंट के बारे में, ट्रेडिंग के बारे में, इक्विटी में ट्रेडिंग लेना है, कम्योडिटीज़ में, करेंसी में, करेंसी मार्केट में, म्यूचुअल फंड में, SIP में इन्वेस्ट करना है, तो प्लीज़ डू कॉन्टैक्ट मी ऑन ऑफिशियल ईमेल ID, माय ऑफिशियल मोबाइल नंबर्स, मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को फॉलो कीजिए। अगर आपको ये मेरा वीडियोज़ पसंद आया है तो मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि डेली दो बार आपको कुछ ना कुछ लर्निंग्स मिले स्टॉक मार्केट की तरफ, इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं, कैसे अपना ट्रेडिंग और बेहतर बना सकते हैं, कैसे अपना टेक्निकल बैकग्राउंड और स्ट्रांग कर सकते हैं। उसके लिए मेरे यूट्यूब चैनल में आपको टेक्निकल प्लेलिस्ट मिलेगा, उसमें आपको कई सारी स्ट्रैटेजीज़ मिलेंगी जिसको आप अप्लाई करके आप अपना ट्रेडिंग और बेहतर कर सकते हैं। तो जितना हो सके मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि डेली दो बार आपको यूट्यूब चैनल पर कुछ ना कुछ मेरे यूट्यूब चैनल पर कुछ ना कुछ लर्निंग्स मिले स्टॉक मार्केट की तरफ, इन्वेस्टमेंट की तरफ, ट्रेडिंग की तरफ। थैंक यू।